Hello, welcome to my English coaching class. I am Sayyed Ashiqur Rahman, a teacher of English language. If it is CBSE, ICSE, any book, students, I do teach in English means my imparting, my communication, my speaking, my influence, my what my lecture is in English. Because when you listen English, you can understand English and you can write English properly. But today, my motto of becoming alive, my motto of doing this video, not going to speak in English, but I'll be very flexible with my speaking. Hindi and English both, to make you understand the change in the syllabus, I'm repeating it. The students, class 11 and 12 students, don't get confused. This video I have made to give you clear idea. Of class 11 and 12 syllabus. Those who are in class 11 or 12. Students, मैं आपका English teacher हूँ, Ashiqur Rahman. Just मैं आपको आज English subject में class 11 और class 12, English subject English core, English subject class 11 और 12 में English के दो अलग और एक subject हैं, elective. There is an elective subject, but I am not going to talk about elective. I am talking about English core, compulsory paper for all, whether it is a humanities, whether it is a commerce, whether it is a science. Sabke liye ye zarurat hai. Sabke liye ye important hai. Okay, everyone, for everyone, this is important. So, aaj ka topic hai. Nahi padhane wala. I am not going to explain. किसी किताब से मैं आज कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर द इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने जो नोटिस किया है, सीबीएसई ने जो नोटिस बताया है, उसी नोटिस को मैं आपको एलैबोरेट करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या चैप्टर डिलीट हुआ है, क्यों डिलीट हुआ है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, सीबीएसई आपको क्या देना चाहता है और एट द एंड में आपको क्या मिलेगा. आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 11 और 12 में उसकी इंपोर्टेंस क्या है, I'll be sharing you that. मैं उस चीज को आपको बताऊंगा. See, students, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा लेक्चर्स जो है इंग्लिश में रहता है, बट टुडे आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक इंसान जो सीबीएसई से नहीं है, पेरेंट्स जो इंग्लिश को नहीं समझ सकते, वो भी समझ पाएंगे इस वीडियो को, अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे क्या सीबीएसई ने चेंज लाया. ना ही ये पेरेंट्स बच्चों के लिए है, ये हर एक इंसान के लिए है जो सीबीएसई में बच्चा पढ़ता है, क्लास 11 12 में, 11वीं और 12वीं में, क्लास 11 और 12. ओके, सो उनके लिए है ये वीडियो. देखो, समझो और परखो क्या है, फिर तैयारी करो. ये पेंडेमिक कुछ बदलाव लाया है, ये कोरोना वायरस ने कुछ हमको बदलाव दे रहा है. ओके, हम आगे डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, नए यूजर्स नए वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, क्योंकि सिर्फ मैं सीबीएसई से नहीं, इंग्लिश के हर एक अपडेट्स पे लाऊंगा, इंग्लिश हो हिंदी हो, आपको जरूरत के हिसाब से आपको बताऊंगा, आप तक पहुंचूंगा और आपको इंग्लिश का फायदा मैं आपको दूंगा. आप मेरे चैनल पे एक्टिव रहेंगे, सब्सक्राइब रहेंगे, सब्सक्राइब बटन करेंगे तो आपको इंग्लिश पहुंच पाएगा, आसान तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे. माय मोटो टू मेक यू स्पीक रीड एंड डेवलप इन इंग्लिश. आप बोल सकेंगे, कह सकेंगे, लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, ये सब चीज मैं आपको इस माध्यम, इस चैनल के माध्यम से दूंगा. ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आखिर में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, और अच्छा वीडियो होता है लेकिन लाइक नहीं मिलता. हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा थम्स अप बटन हमारे वीडियो को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को आगे देखिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. जस्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो मेरे वीडियोस जो भी अपलोड होते रहेंगे वो सब आप
को भूल जाएंगे, मतलब आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है? You won't be able to get those videos whatever I'll be uploading. So don't forget to press the bell icon button. ना भूलें bell icon button को press करने के लिए, दबाने के लिए, जो आपको regular मेरे video आपको पहुंचाते रहेंगे, ठीक है? चलो मैं आपको उस शीट पे, उस पेज पे लेके चलता हूं जहां पे मैं ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको क्लियर कट समझा दूंगा. आई विल बी गिविंग द क्लियर कट इंफॉर्मेशन अबाउट दोज मींस डिटेल्स ऑफ सीबीएसई चेंजेस इन सीबीएसई. ओके, जस्ट सी एंड टेक द अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड. खोएंगे छोड़ेंगे तो खोएंगे, देखेंगे आखिर तक समझेंगे. भगवान मींस इसको दौड़ा के देखेंगे कुछ समझ नहीं पाएंगे. पूरा पेशेंस रखें, पूरा वीडियो को देखें आखिर तक, सब समझ में आएगा. ये इसमें 11th के लिए भी कवर है, इसमें 12th के लिए भी कवर है, इस साल के बच्चों के लिए, आने वाले साल के लिए क्या हो सकता है उसको भी मैं आपको कनेक्ट करूंगा इसी माध्यम में, इसी वीडियो में, ठीक है? देखिए मैं आपको उस पेज पे लेके चलता हूं. ये है, आप पेज पे देख पा रहे हैं, इंग्लिश कोर 301, ये है सब्जेक्ट कोड नंबर, रेशनलाइज्ड करिकुलम 2021, साल 2020 और 2021 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये करिकुलम बनाया गया है. आगे के लिए हम बता नहीं सकते, सीबीएसई ने इस 2021 तक टारगेट रखे, ये करिकुलम में चेंजेस लाए हैं. पुराने सिलेबस में क्या था अब क्या है आपको समझना है. मैं पुराने के बारे में भी बताते चलूंगा, आप देखें और समझें. पहले समझ लें क्या चीज क्या है, इसमें टॉपिक्स में इंपोर्टेंस क्या है, क्या दिया गया है उस चीज को समझें, और फिर आखिरी तक हर एक चीजों को मैं समझाऊंगा बताऊंगा. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अक्योर्ड रीजनेबल डिग्री ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज By the time they come to class 11, देखिए the students बच्चे जो भी 10वीं से पास करके 11वीं को आते हैं उनकी लेवल बढ़ जाती है. लेटर राइटिंग हो, कोई भी राइटिंग हो, सब कुछ बच्चे पढ़े होते हैं, लेकिन 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, उनको अपने उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हम बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चे हो गए. तो उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज उनकी प्रोफिशिएंसी को भी बढ़ा रहा है उसी लेवल पे. To come to class 11, आप जब class 11 को आते हो, and the course aims, ये जो course दे रहा है CBSE, किस चीज को target कर रहा है, क्या दे रहा है आपको, आपसे क्या फायदा मिलेगा English को पढ़ने से, ठीक है? बच्चे CBSE के बच्चे सोचते हैं हम तो class 1 से English पढ़ रहे हैं, we are learning from class 1, what is the benefit? वो इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है? आपको क्या ध्यान importance है subject का, वो भी बताया जा रहा है. The course aims essentially at promoting the higher order language skills. ठीक है, language skill आपने जो सीखा है उसका higher order पे आपको दिया जा रहा है 11 and 12 में. ठीक है, आप देखो एक चीज को, आप gold पहनते हो, silver पहनते हो, जितना use होता है क्या होता है, घिस जाता है. उसको चमकाने के लिए फिर से उसको क्या करना पड़ता है, उस पर पानी चढ़ाना पड़ता है, फिर से चमकता रहेगा गोल्ड हदम चमकता है. तो वैसे ही आपके स्किल्स जो है उसको हदम पॉलिश करवाना है. आप जो जूनियर क्लासरूम सीखे हो उसी के आधार पे आगे आपको वो स्किल्स को डेवलप करवाएंगे. दो स्किल्स व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन क्लास 9 एंड 10th और इन जूनियर क्लासेस विल बी केप्ट. दो स्किल्स एंड आइडिया यू विल बी इंप्रूविंग, यू विल बी जस्ट पॉलिशिंग योर स्किल्स इन क्लास 11 एंड 12. ओके, यू विल बी टेकन इनटू द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ क्लास 11 एंड 12. Okay, so this is the basic idea what CBSE is wanting you all to learn in class 11 and 12. For large number of students, the higher secondary stage will be a preparation for university. Okay, for most of the students, yahan pe kya bol raha hai in line mein, the higher secondary stage means ye jo plus 11 or 12th mein jo bacche hain, iske baad bacche kya kis cheez ki taiyari karenge, university ko jane ke liye, uch vidyalaya ko jane ke liye. Okay, ठीक है, समझ पा रहे हैं? Where a fairly high degree of proficiency in English may be required, जहां पे English की पूरी clear जानकारी हो, English को ढंग से लिख पाए, बोल पाए, वो अनिवार्य है, वो जरूरी है
it is important one individual who is going to university must speak or he must have fluency in English, because he will be a, he can present himself, we can say he can be presentable. But for another large group, the higher secondary stage may be a preparation for entire into the professional domain. और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए ये हायर सेकेंडरी क्या दे रहा है कि एक प्रोफेशनल डोमेन पे जाना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल लाइन में जो भी जाना चाहते हैं, कोई फार्मासिस्ट की तरफ जाना चाहता है, कोई और कॉम्पिटेटिव लेवल की तरफ जाना चाहता है, तो इंग्लिश उनके लिए वो रोल दे रहा है। उस कॉम्पिटिशन में जब जाएंगे, इंडियन आर्मी में जाएंगे, एनडीए के लिए प्रिपरेशन होंगे, तो अलग अलग जब ये स्पेशल कोर्स के लिए आईएएस ओएस के लिए प्रिपेयर होंगे, तो वो सब लेवल में जब क्या है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए भी दे रहा है। तो सीबीएसई जब है ये सबको नजर में रखते हुए इस कोर्स को बनाया है। ये क्या कोर्स है? द कोर कोर्स। इस कोर्स को क्या दिया गया नाम? कोर कोर्स। शुड कैटर टू बोथ ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप को नजर में रखते हुए, दोनों ग्रुप को। ओके, यूनिवर्सिटी को जाना चाहते हैं, नॉर्मल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है, या हम बोला सकते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो इंग्लिश को ज्यादा महत्व नहीं देते, ठीक है। तो ये सबको नजर में रखते हुए सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है बच्चों के लिए, ये सब्जेक्ट भी बनाया गया है। द कोर कोर्स शुड कैटर बोथ ग्रुप्स बाई प्रमोटिंग लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक स्टडी एज वेल एज द लैंग्वेज स्किल required for workplace, जिस जगह पे जाए यहाँ से पास करने के बाद, 12वीं के बाद, 11, 12 के बाद, वो मिनिमम एक अच्छे से ढंग से लेटर लिख सकें, अच्छे से अपने भाषा को प्रयोग कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, उनको सरल भाषा से एक आदमी समझ सके, ये सारी चीजें बताया गई है। तो इंसान जैसे है वो लैंग्वेज, एक भाषा जो बोली जाती है उसको इस्तेमाल किया गया। तो द लार्ज पीपल, व्हाट वी स्पीक, हम जो बोलते हैं, व्हाट वी स्पीक अदर वन इज एबल टू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो सीबीएसई हमको दे रहा है। ये इस चीज को एक बड़ा सा पैकेज बना के दे रहा है आप लोग बच्चे को, जो आर्ट्स वाले हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, आर्ट्स से ह्यूमैनिटी, कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, जो भी बच्चे हैं, सबके लिए समान में दिया जा रहा है। ऑल आर इक्वल, सब 11वीं 12वीं तक सब समान है, तो सबके लिए समान दिया जा रहा है। इंग्लिश में कोई अंतर नहीं, तो इसी तरह पैकेज बनाया जा रहा है कि ये नहीं आर्ट्स वाले ये पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले ये पढ़ेंगे, वैसा कुछ नहीं, सबके लिए समान है इंग्लिश, फॉर एवरीवन इज अ बेसिक इंग्लिश, सबको जरूरत है, ठीक है। चलो अब आज कॉम्पिटेंसी टू फोकस, कहां पे किस चीज पे आपका स्किल बढ़ाएगा, किस लेवल पे आपको लेके जाएगा, उस चीज को हमको समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपको इंग्लिश में क्या क्या दे रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देने का। The general objective at this stage are to listen and comprehend. See, मैं जो बोल रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं, listening skill and comprehend live as well as record in writing oral presentation on variety of topics. बोलने की और comprehend करने की, उनको समझने की और उसको लिखने के, writing oral presentations, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ चीजों को समझा रहा हूं, राइटिंग ओरल प्रेजेंटेशंस, लिख के समझा सके ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, बहुत से टॉपिक्स पे ये चीज कर सके। जब एक बच्चा 11वीं 12वीं पास करके जाए, कहीं पे भी खड़ा होके आसान से प्रेजेंटेशन दे सके, ये एक ऑब्जेक्टिव है सीबीएसई का, जो चाहता है कि हर एक बच्चा बेहतर बन सके। डेवलप ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स नेसेसरी फॉर सोशल and academic purpose to participate in group discussions, interviews by making short oral presentation on given topic. क्या बोल रहा है? Develop greater confidence. देखो हर एक बच्चा एक समान नहीं है, हम हाथ है, एक हाथ में हर पांच उंगली है, पांचों उंगली समान नहीं है, ये छोटा है तो ये थोड़ा उससे बड़ा है, और इससे बड़ा ये है, तो फिर यहाँ पे आएगा ये छोटा है और ये सबसे छोटा है, तो ये ज्यादा मोटा भी है।
तो हम जब एक साथ कर लेते हैं, इस लेवल पे लाते हैं, एक समान पे आ गए। स्कूल में जाते हैं हर एक बच्चे समान है, लेकिन उनके जब कॉम्पिटेंसी लेवल है, किसकी सोचने की समानता, किसी की याद रखने की कैपेसिटी कुछ किसी की और है, तो ये सारी चीजें जो है डिफरेंस है। हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बोला डेवलप ग्रेटर कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाए, प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, उनके प्रोफिशिएंट बना दे, एफिशिएंट बना दे लैंग्वेज को, स्किल्स को यूज कर से सोशल एंड एकेडमिक पर्पस, समाज में रहते हैं उसमें काम आ पाए और एकेडमिक जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें भी काम आ पाए। पर्पस टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस, बहुत से ऐसे ग्रुप डिस्कशंस हो जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हो, उनपे वो आवाज हो, वो शब्द हो, वो जुबान हो, वो भाषा हो, वो बोल सकें, लोगों पे अपने मत रख सकें, इस तरह को उनको बना दिया जाए। इंटरव्यूज बाय मेकिंग शॉर्ट ओरल प्रेजेंटेशन ऑन गिवन टॉपिक, उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए जहाँ पे गिव शॉर्ट टॉपिक्स वो अपने मत दे पाए, अपने विचार को रख सकें। तो इस तरह का सीबीएसई बनाना चाहता है इस भाषा के माध्यम से। पर से द ओवरऑल मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट, क्या बोल रहा है, परसीव द ओवरऑल मीनिंग, उसके ओवरऑल मीनिंग, देखो एक सारांश जो हम बोलते हैं, उसके जो जो निचोड़ हम लाते हैं उस टेक्स्ट से वो देने की कोशिश कर रहा है। मींस दैट इज कोर रिलेशन ऑफ द वाइटल पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। जो द टेक्स्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब कि कुछ जो चीजें हैं हमको वैल्यूज दे रहे हैं, हमको जीने का मकसद बता रहे हैं, हमें अपने बाप माता जी से, हमारे पिताजी से, हमारे दोस्तों से किस तरह से व्यवहार करना है, हमारे इलेवेंथ क्लास इलेवेंथ के टेक्स्ट बुक से वो सब चीज मिल रहा है, हमको समाज में किस तरह आवाज उठानी है, हिस्ट्री क्या है इसके बारे में बताया जाया है, लिटरेचर से बताया जा रहा है, हमको जानकारी मिल रही है। एक साइंस का बच्चा साइंस पढ़ रहा है, उसको लिटरेचर पढ़ते हुए, लैंग्वेज सीखते हुए ये सब जानकारी भी मिल रही है। सीबीएसई ने इस तरह का बनाया है अपने टॉपिक को, अपने पोर्शन को, हर कोई इसको लाभ उठा सके, ठीक है। तो इसको समझो, चीजों को जब समझोगे, देखो इसमें सब वैल्यू बेस्ड है, सबसे वैल्यू मिल रहा है, सबसे फायदा पहुंच रहा है। ओके, क्लास 11 और 10 मींस द टॉपिक्स आर ऑल वैल्यू बेस्ड, ऑल वैल्यू बेस्ड मींस दैट विल हेल्प यू ऑल लाइफ स्किल, व्हाट वी कैन से, अपने निजी जिंदगी में वो सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको हम यूज में लाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल और मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सेट्रा टू बिल्ड कम्युनिकेटिव एंड कॉम्पिटेंस इन वेरियस लेक्सिकन्स ऑफ इंग्लिश। देखो हमारे इंग्लिश में, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश एक छोटी सी बहुत आसान सी भाषा नहीं है, और अगर बोला जाए कि सीखना चाहो ये एक आसान सी भाषा है, इसको आसान से सीखी भी जा सकती है, ठीक है। तो व्हेन वी स्पीक, हम बोलते हैं, एक बच्चा पैदा होता है उसे बोलना सिखाते नहीं, वो सुन के बोलना सीखता है, वो सुन के बोलना सीखता है, वो जो सुनता है वो वही बोलता है, वो सही है ग्रामेटिकली उसको मालूम नहीं है, वो निजी जिंदगी में जब आगे बढ़ता है वो खुद समझता है ये सही है ये गलत है। तो वैसे ही आप उस लायक हो चुके हो, अब उतने बड़े हो चुके हो, अब आपको समझ में आया है क्या गलत है क्या सही है, किस स्तर पे कैसी भाषा बोलनी चाहिए, किसको किस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए, हमको वो बोलना है, वो प्रयोग करना है हमारे लफ्जों में, हमारे जो बोलने में, वो सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। Means here, the English, what we speak, we should be very thoughtful when speaking. So language, our language should be very connecting to the people of whoever, to whomever we are speaking. So build communication competency, हमारे अंदर वो बोलने की क्षमता को बढ़ाएगा। Various lexicon of English, English में बहुत सारे स्तर हैं, उन स्तर को ये समझाएंगे हम इस भाषा और English पढ़ाने के माध्यम से, ठीक है। प्रमोट एडवांस्ड लैंग्वेज स्किल्स विद एन एम टू डेवलप द स्किल्स ऑफ रीजनिंग, ड्रॉइंग इंफरेंस एक्सेट्रा थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है, प्रमोट एडवांस लैंग्वेज, हम क्या कर रहे हैं, एक एडवांस लैंग्वेज दे रहे हैं, स्किल्स, हम स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, विद एन एम टू डेवलप, क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल्स ऑफ रीजनिंग, आदमी सोचेगा वेदर मैं लॉजिक जा रहा हूं, सही तरीके से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ड्रॉइंग इन्फेरेंस, हम उसको देखने का समझेंगे, उसमें अंतर लाएंगे, कहां जा रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं,
उसको भी हम समझ पाएंगे एक्सेट्रा थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटीज। बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, उन एक्टिविटीज के माध्यम से ये सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम मदर टंग्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, आपको वो भी कला सिखाया जाएगा, अपने मातृभाषा, अपना जो निजी भाषा है उस भाषा को आप कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो उस भाषा की चीजों को, और अपने इंग्लिश भाषा के से अब उस भाषा को आप जिस मातृभाषा से हो, हिंदी बोल रहे हो, उड़िया बोल रहे हो, बंगली बोल रहे हो, या गुजराती बोल रहे हो, या मराठी बोल रहे हो, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो उस भाषा को भी जा सकते हो। टीचर आपको उस स्तर में भी लेके जाएगा, सीबीएसई आपको उस स्तर के ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। ओके, डेवलप एबिलिटी एंड अक्वायर नॉलेज required in order to engage in independent reflection and inquiry. Develop ability, आपका ability को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, acquire आपको knowledge देने की कोशिश कर रहा है, in independent reflection inquiry आपको एक reflection ऊर्जा दे रही है जहां पर खुद जानकारी लेके करोगे। आपको भूख लगेगी, आप खुद खाना खाओगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाना नहीं खाओगे, अच्छा खाना क्यों ना हो, ठीक है। वैसे आपको अंदर भूख लगने की क्षमता हो, आपको भूख लगे, आपको जानने की क्षमता हो, तभी आपको पता चलेगा क्या सही है, आप सही नॉलेज ले पाओगे, ठीक है। देन व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, रीड एंड कॉम्प्रिहेंड, आप खुद पढ़ोगे और समझोगे। एक्सटेंडेड टेक्स्ट, प्रेस्क्राइब एंड नॉन प्रेस्क्राइब, जो दिया गया है और जो नहीं भी दिया गया है, आप पढ़ोगे एक भाषा को फिर समझ पाओगे क्या लिखा है। In the following genres, ठीक है, means बहुत सारे varieties हैं, एक लेखक बहुत से तरीके बहुत से चीजों पे लिखता है तो उसका नाम genre है, और उसमें science fiction आते हैं, drama है, poetry है, biography है, autobiography है, travel and sports literature etc. इन सारे चीजों पे ये आप लिखा जा सकता है और लिखा गया है। आप इन सारे चीजों पे अपनी किताब जो दिया गया है उसे पढ़ सकते हो, या नहीं भी दिया गया है पढ़ोगे, जब आपको समझ में आएगी, ये शब्द की जानकारी मिलेगी, वोकैबुलरी मिलेगी, किस तरह लिखा गया है वो समझ में आएगा, और फिर आप लिख भी सकते हो और बोलने की भी क्षमता आप में आगे बढ़ के निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स्ट बेस्ड राइटिंग, आपको टेक्स्ट बुक मिले हैं उस पे जो क्वेश्चंस दिया है उस पे आपको लिखना है। That is writing in response to questions. आपके questions पे chapter पढ़ने के बाद आप questions का answer करोगे। और task based on prescribed unseen text, जो task दिया गया, questions दिया गया, prescribed book में दिया गया है, ये नहीं जो book में unseen paragraph दिया गया है, passage दिया गया है, और उसमें questions दिया गया, आप paragraph पढ़ोगे और उसके answers निकालोगे। Understand and respond to lecture and speech and etc. अब टीचर्स जो लेक्चर दे रहे हैं उसको सुनोगे, स्पीचेस को सुनोगे और अन्य अन्य चीजों को सुनोगे, और आप ढंग से एक आंसर को कर पाओगे। जब आपको सुनने की क्षमता होगी तब आपको पढ़ने की भी क्षमता बढ़ेगी, तब आपको बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी, आप तब लिख भी पाओगे, आपको लिखने की क्षमता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप किस में फोकस कर रहे हो, सुनने की क्षमता, आप सुनने की पे कोशिश कर रहे हो। ओके, राइट एक्सपोजिटरी आर्गुमेंट एसेज, एक्सपोजिटरी एक्सपोज कर रहे, विभिन्न चीजों को बता रहे हो, ठीक है, आप जानकारी लोगों को दे रहे हो। आर्गुमेंटेटिव एसे, आप आर्गुमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी चीजों पे लेके बहस कर रहे हो उस पे एसे। एक्सप्लेनिंग एंड डेवलपिंग अ टॉपिक, आर्गुइंग अ केस एक्सेट्रा विथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट पर्पस। आप लेटर लिख रहे हो, पत्र लिखन कर रहे हो, एप्लीकेशन स्कूल को दे रहे हो, प्रिंसिपल को किस तरह लिखना है, छोटे बच्चे थे कैसे लिखते थे, बड़े बच्चे हो चुके हैं, 11वीं 12वीं पे आ गए हो, कैसे लिखना है, इन सारे चीजों को ये ध्यान दे रहा है। आप 11वीं 12वीं खत्म करने के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी को जाओगे, किसी कॉलेज पे जाओगे, कहीं पे नौकरी करोगे, कहीं पे कुछ और करोगे, किस तरह लेटर लिख सकते हो, ये सब जानकारी आपको सीबीएसई देने की कोशिश कर रहा है। Make use of contextual clues to infer meaning of unfamiliar vocabulary. आप किताब पढ़ने के बाद नए नए शब्द की जानकारी मिलेगी, आप उन शब्दों का निजी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। Select, compile,
collate the information for an oral presentation. आप किसी चीजों को कहीं बोलने जा रहे हो, एक विषय को आप पहले लो, फिर कंपाइल करो, फिर चीजों को ला के मिलाओ, जोड़ो, और फिर कोलेट इंफॉर्मेशन मीन्स वो सारी जानकारियों को उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप उसको एक लाइन में सजा दो, और फिर फॉर ओरल प्रेजेंटेशन कहीं पर बोलने जा रहे हो, अपना निजी व्हाट अपना निजी व्यक्तिगत जो जो अपने जो परसेप्शन है, अपने जो आंसर्स है, अपने जो बोलने की चाह रहे हो, वो व्यक्तिगत चीजें रख सकते हो, अपने मत को रख सकते हो लोगों के सामने, जब आपके पास जानकारी होगी तो, नहीं होगी कहां से रख पाओगे। तो इसलिए पढ़ना पहले सिलेक्ट करो क्या करना चाहते हो अपने जिंदगी में, उसको बनाओ, उसको लो, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्ट कंपाइल कोलेट इंफॉर्मेशन फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए वो सब जानकारी भी सीबीएसई आप इस कोर्स के जरिए से आपको दे रही है। प्रोड्यूस यूनिफाइड पैराग्राफ्स विद एडिक्वेट डिटेल्स एंड सपोर्ट। आप जब लिख रहे हैं कुछ, एक दो तीन पैराग्राफ लिखो या एक पैराग्राफ लिखो दो, उसमें से सारी जानकारी जितनी भी जरूरत है वो सब दो, और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको और भी पॉइंट्स दो। यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली। ओके, यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो लिख रहे हो, सेंटेंस जो लिख रहे हो, करेक्ट हो ग्रामेटिकली एंड अप्रोप्रिएट हो ग्रामेटिकली, मीन्स एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट, सही हो और सटीक हो, ठीक है, परफेक्ट एकदम, जो चाहिए कोई गलती ना हो, उस ग्रामेटिकल जानकारी आपको चाहिए। राइट आइटम्स रिलेटेड टू द वर्क प्लेस, मिनट्स, मेमोरेंडा, नोटिस, समराइज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। किसी ऑफिस में किसी जगह पे काम करते हो, आपको मिनट्स लिखनी पड़ती है, एक मीटिंग छोटा हो उसमें 10 बात 5 बात होती है, उन बातों को लिख पाओ। मेमोरेंडा, एक मेमो दिया जाता है, एक किसी से गलती हो गई, खता हो गई, उसके लिए मेमो दिया जाता है, या किसी को किसी चीज की सूचना देनी हो उसको नोटिस दिया जाता है, और उन सारे चीजों को सारांश में लिखना हो समराइज किया जाता है। रिपोर्ट लिखना हो किसी घटनाओं घट चुकी हो, जैसे एनुअल फंक्शन उस पे लिखना हो, ये सारी चीजों की भी प्रैक्टिस किया जाता है हमको इंग्लिश के माध्यम से, ये सब भी चीजें भी सिखाई जाती है, स्टूडेंट्स ये सब चीजें भी सीख पाएंगे। फिलिंग अ फॉर्म्स, प्रिपेयरिंग सीवी जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर होते हैं, करिकुलम वीटा और बायोडाटा हम जिसको बोलते हैं, ईमेल मैसेज, मैसेज ईमेल में कैसे लिखते हैं, मेकिंग नोट्स फॉर रेफरेंस मटेरियल, मटेरियल जो आता है उसके नोट्स रेफरेंस कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट में नोट्स कैसे लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड टॉक्स, ये जो रिकॉर्डेड टॉक्स जो है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये टॉक्स को जो सुन के रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज की हम लिखना पढ़ने और बोलने की क्षमता को भी ध्यान दिया है सीबीएसई, ये सब चीजों को भी ध्यान रख रहा है इस कोर्स के माध्यम से। द कोर कोर्स शुड ड्रॉप ऑन द लैंग्वेज आइटम सजेस्टेड फॉर 9 से 10 एंड डेवलप डीपर into their uses and functions। ये आगे लेके जाता है, इसके यूज कैसे करना है, उसके functions कैसे हैं, उसके बारे में भी आपको समझाता है। Particular attentions may or however be given to the following areas of grammar। ग्रामर की कुछ चीजों पे ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है, क्या है, यूज ऑफ पैसिव फॉर्म इन साइंटिफिक एंड इनोवेटिव राइटिंग। साइंटिफिक और इनोवेटिव राइटिंग देख लो, उसमें पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है, कैसे पैसिव फॉर्म को आप लिख सकते हैं, वो सब चीजों की भी जानकारी दी जा रही है। कन्वर्ट वन काइंड ऑफ सेंटेंस और क्लॉज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस एज वेल अदर आइटम्स टू एग्जाम्पली स्टाइलिश वेरिएशन इन डिफरेंट डिस्कोर्स मॉडल ऑक्सिलरीज यूजेस बेस्ड ऑन सिमेटिक कंसिडरेशन। एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, सेंटेंस को कैसे चेंज करके बहुत सारे तरीकों में भी लिखा जा सकता है। मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग अ सेंटेंस, इस तरह की जो चीजों को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई एम टेलिंग इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो उस चीजों को भी बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जाएगा, वो सब चीज इस भाषा के माध्यम से, इस लैंग्वेज के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से
आपको दिया जा रहा है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग, रीडिंग का जो स्किल रखा गया है उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्ट टू डेवलप द फॉलोइंग स्टडी स्किल, उनके पास पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है. स्कीम फॉर मेन आइडियाज एंड स्कैन डिटेल्स, पढ़ने के बाद वो मेन आइडियाज ले सकें और स्कैन फॉर डिटेल्स, वो डिटेल्स को समझ सकें जो मेन आइडिया से कनेक्टेड है. रेफर टू डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया, थेसारस, एकेडमिक रेफरेंस मटेरियल इन एनी फॉर्मेट. ये जब जो प्रैक्टिस, देखो ये सब चीजें जो दिया गया है मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, बच्चे आप इसको समझें. ये सब जो चीजें रेफरेंस, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, थेसारस, एकेडमिक रेफरेंस मटेरियल इन एनी फॉर्मेट, आप जब पढ़ रहे हैं किसी किताब को, मटेरियल को, चीजों को, डिटेल्स को पढ़ रहे हैं, आपको डिक्शनरी के डिफिकल्ट वर्ड चाहिए होंगे, डिक्शनरी रेफर कर सकते हैं. एनसाइक्लोपीडिया यूज कर सकते हैं, थेसारस उसके डिटेल्स ऑफ मीनिंग को चेक कर सकते हैं, ऑपोजिट मीनिंग को चेक कर सकते हैं. एकेडमिक रेफरेंस मटेरियल इन एनी फॉर्मेट, एकेडमिक रेफरेंस मटेरियल कोई भी फॉर्मेट में हो वो सब चीज को चेक कर सकते हैं. कब मिलेगा जानकारी, जब पढ़ेंगे तब आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे और उस वर्ड्स को कैसे बेहतर करना है आप जब ये सब चीजें रखेंगे आप कर पाएंगे. बच्चों सिलेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग रीडिंग स्किल ऑफ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, आप रीडिंग स्किल में स्कीमिंग समझना और उसको उसको दिमाग में रह जाना. देखो आप एक चीज को समझते हो ना, दिमाग में रहेगा, आप रट्टा मारते हो, आप उसको घिस घिस के सेव करने की कोशिश करिए, पढ़ते हो और समझ गए, ठीक है. तो उस स्किल को भी कैसे डेवलप करना है, रीडिंग के माध्यम से पॉसिबल है. अंडरस्टैंड द राइटर्स पर्पोज एंड टोन, राइटर का जो पर्पोज क्या है उसका समझो और किस तरीके से बता रहा है उसको भी समझो. कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंस बिटवीन द लिटरल एंड फिगरेटिव, लिटरल मीनिंग क्या है और फिगरेटिव मीनिंग क्या है, ओके उसको भी समझने की कोशिश करो. इंग्लिश से ये भी लिटरली मीनिंग अलग है और फिगरेटिव मीनिंग अलग है. एक पिक्चर प्रेजेंटेशन है, घड़ी में इतनी समय हुई है, तो एक लिटरली मीनिंग जाए तो समय के बारे में बता रहा है, फिगरेटिव मीनिंग जाए तो घड़ी में वो मतलब कांटा नहीं चल रहा है, वो घड़ी में घड़ी बंद है, उसमें फिगरेटिव मीनिंग और कुछ आ रहा है, ठीक है. तो कॉम्प्रिहेंड करो, समझने की कोशिश करो, लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग दोनों मीनिंग को समझने की क्षमता हो जब एक इस लैंग्वेज को पढ़ के ये डेवलप भी कर पाओगे. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेम्स एंड रियालिटीज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, फॉर्म बिजनेस ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स अवेलेबल, ऑन द बेस ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स अवेलेबल उस पे भी the differentiate between claims, कैसे क्लेम किया जाता है, realities, सच्चाई क्या है, facts and opinions, हकीकत क्या है, ठीक है, means तथ्य हम जो बोलते हैं, opinions लोगों के मशवरे क्या है, form business opinions on the basis of latest trends available, उस पे हमको जाना है. अभी वो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कर दिया, सुनी सुनाई बातों पे हमको भरोसा नहीं करना. तो ये सारी चीजें, ये सब जानकारी, ये समझ हमको इस भाषा पढ़ने से, इस लिटरेचर को पढ़ने से हमको ये सब जानकारी मिलेगी. कॉम्प्रिहेंड टेक्निकल लैंग्वेज एज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स, अराइव एट पर्सनल कंक्लूजन, लॉजिकल कमेंट ऑन अ गिवन टेक्स्ट. कॉम्प्रिहेंड टेक्निकल लैंग्वेज, आपको टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना है, कहाँ पे कैसे बात करना है वो टेक्निक है. कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स, arrive at personal conclusion, कैसे personal conclusion पे लाना है. logical comment on a given text, given text में logical comment कैसे करते हैं, उसमें logic होना चाहिए. एक भाषा जब बोल पा रहे हो आप उस तरीके का काम समझ पा रहे हो, उस तरीके का काम कर पाओगे. specifically the develop the ability to be original and creative in interpreting of opinion. हम जब interpret कर रहे हैं एक चीज को, हम दूसरों को बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है हम बताने के चक्कर में कुछ उल्टा कर जाते हैं जिससे किसी को मुश्किल पैदा हो सकती है, मुश्किल बन सकती है. डेवलप द एबिलिटी टू कीप लॉजिकल एंड पर्सुएसिव, लॉजिकल हो आप, सही बताएं लॉजिक से. इन डिफेंडिंग वंस ओपिनियन, किसी को ओपिनियन के अगेंस्ट में खड़े हो आप, लॉजिकल बोल के उसके ओपिनियन के अगेंस्ट में आए. And making notes biased on text, और text के notes पे biased हो जाना, based on text, जो textbook दिया गया है, उस पे आपको बोलना है,
ठीक है, मैं उसको फॉलो करना है, मेकिंग नोट्स बेस्ड ऑन टेक्स्ट टेक्स्ट बुक. सी बच्चे, आप व्हाट बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अभी टेक्स्ट बुक को जो समझा है टीचर, जो समझाते हैं समझते हैं, जो नहीं समझा जो समझ में आता है वो समझते हैं, और क्या होता है ना, इंग्लिश क्लास पे ध्यान नहीं देते, रेफरेंस बुक ले लेते हैं, दो दिन पढ़ लिए और एग्जाम लिखने के लिए लिख के पास करने के लिए पास कर लिए. जो किताबों में इंपोर्टेंस है, टेक्स्ट को पढ़ने का इंपोर्टेंस उसको नहीं मिलता, उनको नहीं मिल पाता, टेक्स्ट के जो मजे हैं वो नहीं पा पाते, उनको जो टेक्स्ट पढ़ने से जो बेहतर है, उनके जो डेवलपमेंट है उनको नहीं मिल पाता. ये सारी समस्या का सामना करना पड़ता है जब टेक्स्ट को फॉलो नहीं करोगे तो. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेवलप लिटरेरी स्किल्स एज एनुमेरेटेड बिलो. लिटरेरी स्किल्स क्या मिला, रेस्पॉन्ड टू लिटरेरी टेक्स्ट, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं लिटरेरी टेक्स्ट को. Appreciate and analyze special feature of language that differentiate literary text from non-literary ones. जैसे non-literary जो literature background से नहीं है, उनके पास से भी कुछ निकल गया. Explore elaborate features of characters, plot, setting, etc. ये सारी चीज हम एक chapter जब पढ़ाते हैं उनके बच्चों के सामने, ये सब चीज रखते हैं. Chapter क्या है, chapter है, plot उसका क्या है, setting क्या है और कहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम present करते हैं. Understand, appreciate the oral, mobile and visual elements of drama. Identify the element of style but such as humor, pathos, satire and irony, etc. Understand, appreciate the oral, mobile and visual elements of drama. Mobile and visual elements of drama. Identify the elements of style such as humor, pathos, satire, irony. क्या बोला? Identify करो. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ह्यूमर मजाक कैसे है, तकलीफ कैसे है, ठीक है, उस एक शब्द के पीछे छुपा हुआ मीनिंग क्या है और उसके असल मीनिंग क्या है, ये सारी चीजों को समझना है. मेक नोट्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द एक्सट्रैक्टेड आइडियाज इनटू सस्टेन्ड प्राइस ऑफ राइटिंग. ओके, क्या बोला, मेक नोट्स, आप नोट्स बनाओ वेरियस रिसोर्सेस for the purpose of developing the external ideas into sustained price of writing. Sustained price of writing ke liye make notes banao various resources for purpose of developing the extracted ideas into certain piece of writing. Kya bola, make note. Aur har ek cheez ka dekho, har ek cheez ka bachcho aadat bana lo apna note likhne ke liye. Ek cheez diya gaya hai, usko sarans, usko shortcut way mein kaise likh sakte ho, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा अनिवार्य है. ठीक है, लिटरेसी के लिए सब लिटरेसी स्किल का. नेक्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल ये जरूरी है, स्टूडेंट्स की बहुत जरूरी. क्लास 11 के बच्चे देख रहे हो या क्लास 12 के बच्चे देख रहे हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल बहुत जरूरी है. स्पीकिंग नीड्स वेरी गुड एम्फसाइज एंड इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लीडिंग टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. ओके, स्पीकिंग नीड्स, व्हेन वी आर एबल टू स्पीक, हमको हम बोल पा रहे हैं, आज हमें भूख लगेगा, हम बता देंगे कि हमको इतना समय में खाना है. जब एक छोटा बच्चा जिसको बोलने की क्षमता नहीं है, जो बोल नहीं पाता, फिर क्या है, हेंस टेस्टिंग ओरल स्किल मस्ट बी मेड एन इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंट. उनके लिए ओरल स्किल, बोलने की स्किल जरूरी है, अनिवार्य है. टू दिस एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर overtly built into material to guide the teachers in actualization of skill. क्या बोल रहा है? To this end, ये आखिर तक speaking and listening skill are overtly built. ये अपने आप ही बन जाता है. क्या? बोलने और सुनने की क्षमता. But into the material to guide the teachers is actualization of skill. Actualization of skill को आपको जो teachers का असल skill है, उसको आपको समझना है और उस based on skill पे आपको काम करना है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग. स्पीकिंग और लिसनिंग जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ASL हम लोग जो बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, तो उसी बेस पे ये टॉपिक दिया गया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्ट टू डेवलप द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज नोट्स ऑन लेक्चर्स, टॉक्स एंड लिसनिंग पैसेजेस. क्या बोल रहे हैं, टेक ऑर्गेनाइज्ड नोट्स ऑन लेक्चर्स, टॉक्स एंड लिस्निंग पैसेजेस को भी सुनाया जा रहा है. लिस्निंग टू न्यूज बुलेटिन्स टू डेवलप द एबिलिटी टू डिस्कस इनफॉर्मली अ वीडियो.
क्या बोल रहा है, लिसन टू न्यूज बुलेटिन्स, न्यूज बुलेटिन्स को सुनो। जब आप सुनोगे दूसरों को, आप बोलने की भी समझ क्षमता डेवलप होगी, आप सुनने की भी क्षमता डेवलप होगी। एबिलिटी टू डिस्कस इनफॉर्मली अ वाइड रेंजिंग इश्यूज लाइक करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टॉप्स बिल्डिंग बिजनेस एक्सेट्रा। रेस्पॉन्स टू इंटरव्यू एंड टू पर्टिकुलर इनफॉर्म ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, बोल रहा है रेस्पॉन्ड इन इंटरव्यू, इंटरव्यू को रेस्पॉन्ड करो, एंड टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। मेक इंक्वायरीज मीनिंगफुली एंड एडिक्वेटली एंड टू रेस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्पज ऑफ ट्रेवलिंग विद द कंट्री एंड अब्रॉड। ओके, सो व्हाट इज सेइंग दैट यहां पर, मेक इंक्वायरीज, इंक्वायरी करो मीनिंगफुली एंड एडिक्वेटली टू रेस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेवलिंग। क्या वजह है ट्रैवल करने, विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर। लीड्स टू बिजनेस न्यूज एंड टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहे, लिसन टू बिजनेस, अब बिजनेस न्यूज को सुनो, टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट, आपको वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, एक्सट्रैक्ट to making make inquiries meaningfully and adequately, need to respond to inquiries for purpose of traveling with the country and abroad. Listen to business news and to be able to extract relevant important information to develop public speaking skills. Okay, kya bol raha, listen to business news and to be able to extract relevant important information, jo bhi zarurat information hai usko lena hai, usko samajhna hai, usko apne andar mein rakhna hai। डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी बेहतर करना। ओके, सो दीज आर द स्किल्स दैट इज कमिंग अंडर व्हाट, ऑब्जेक्टिव एंड लिस्टिंग स्किल्स, गाइडेंस फॉर असेसमेंट इन लिस्टिंग लिस्टिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज फॉर लिस्निंग एंड स्पीकिंग अवेलेबल एट www.cbseacademy.in कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग लिस्निंग एंड स्पीकिंग स्किल्स for students. From here, the students can get the what material reference for their official use. Subject teachers should also refer to books prescribed in CBSE. So subject teacher must be referring, must be informing you the prescribed text for the syllabus. Okay. Next one, in addition to the above, teachers may plan their own activities and create their own material for assessment. So own material should be prepared for the assessment of listening and speaking skills. Parameters for assessment is already set up. You'll be getting the parameters before the examination, or the when the examination will be conducted for speaking and listening. So you'll be getting the parameters. It's already there. Preset parameters are there. So there is no change in the parameters. Next, listening and speaking skills are to be assessed on the following parameters. Here the parameters have been shared, students. Interactive competency, initiation and turn taking, relevance to the topic, means the speaker is speaking, whether it is relevant to the topic or not. Fluency, cohesion, coherence and speed of delivery. The fluency consists of, there are 3 points: cohesion, coherence and speed of delivery. Next comes the pronunciation, how you're pronouncing your words, how you're able to pronounce. These are the information you'll be learning. The part of means these are the points where you will be judged. And next, language accuracy and vocabulary, language, how you're speaking, and accuracy, whether you're speaking correct or not, the verb. Okay, means vocabulary, how the vocabulary, you do have this sound of vocabulary, or you know different words, how do you add the vocabularies. So these are the information for all the parameters of for assessment. Next comes schedule. Practice of listening and speaking skills should be done throughout the academic year. This should be regularly done throughout the academic year. That is what listening and speaking skill. Final assessment of skills is to be done as per convenience and schedule of the school. Means finally at the end, ASL, what we conduct, the final at the convenience of the school, we'll be doing the ASL. It's last. Record keeping. Record of the activities done and the marks given must be kept for 3 months after the declaration of the result. For any random checking by the board, means after the, we must keep the, means your conduction, these papers or the information will be kept in the
school, and after the result is out for 3 to 4 months or more than that, record will be kept and will be helpful. Okay, so record keeping. So yeah, the, whatever the information is done, the activity is done, the record is maintained and it is kept. Okay, no recording recording of speaking skills is to be sent to the board. So previously, when the beginning session was done, ASL session was done, previously, we teachers used to record the video and we used to send the video to the CBSE. Now CBSE is giving prescribed or clear notice has been highlighted here. No recording of speaking skill to be sent to the board. So we won't be sending the recording to the CBSE board. Next comes the specific objective of writing. What the reason of writing? Writing, there's a writing skill. Writing letter to friends, relative, to write a business and official letter. This will be inculcated in you. You learning this. Okay. Open accounts in a post office and banks. Different students after completing 11th and 12th. We do, and if you are a new visitor to the bank, you will be doing the, or you will be committing the mistakes. So what happened? This will be taught in the school. Open accounts in the post office and banks to fill in airline reservation forms. This forms filling process also will be taught, and you must be aware about this. This is the license of practical learning. Next comes here, draft notice, advertisement and design poster effectively, appropriately. Draft notice, you must write notice, advertisement will be done. And what is that? Design poster effectively and appropriately. You will be doing, this is the objective of writing. Okay, notice the short writing, what these are the points covered under the short writing. Write in various issues to institution seeking relevant information, that lodge, complain, express gratitude, render apology. On these various topics, we write to the institution or to various institutions. We do seek permission, we beg sorry, apology for our words. Okay, so on these basis, the students must learn and develop this efficiency, means the skills in them. And then write application, fill in application form, prepare school, personal biodata for admission into college, university, entrance test and jobs. So everything should be aware to the, means how this will help you for the college, university and entrance examination. Write formal and informal reports as a part of personal letter on functions, programs and activities held in school, morning assembly, annual day, sports day, etc. Okay, so write formal reports. You must be writing formal report as a personal letter or functional programs and activities held in school, morning assembly, annual day, etc. Write formal reports for school magazine events process or in a local newspaper about events or occasions. Express opinions, facts, arguments in the form of speech or debates, using a variety of accurate sentence structure. Draft people to be presented in symposia. Okay, so what is symposia here? So it is a very clear kind of writing, means where you are very clear with your objectives are clear. Whatever writing you are doing, whatever you are doing, the objective must be clear. It's a symposia. Take down notes from talks and lectures. Whatever lecture is delivered, talk is delivered in the class, note down the notes. Write examination answers according to the requirement of various topics. Summarize a text. A text must be summarized. Next is coming what? More about reading. Inculcating good habit in children always has always been a concern for all stakeholder in education. The purpose is to create dependent thinking individuals with the ability to not only create their own knowledge but also critically interpret. So reading will help in these grounds. Then creating learners for the 21st centuries, invoice making them independent learners who can learn unlearn or relearn. If our children are in the habit of reading, they will learn to reinvent themselves in detail with many challenges that lie up ahead of them. What happened? If our children are in the habit of reading,
they will learn to reinvent themselves. Means they will learn some new vocabulary themselves and deal with the many challenges that lie ahead of us. Okay, what happened? Many challenges comes in front of us. We should be prepared. We should be ready to face the challenge. Reading is not merely decoding information or pronouncing words correctly. It is an interactive dialogue between the author and the reader, in which the reader and the author shall share their experience and knowledge with each other. Good readers are critical readers, and with an ability to arrive a deeper understanding of not only the world presented in the book, but also the real around them. Consequently, he became independent thinker and comfortable to take on decision in life rationally. Hence, a few activities are suggested below which teachers may use as part of reading project. A short review, dramatization of the story. It will be done. Short review will be done. Then commentary on the characters, critical evaluation of the post plot, setting and characters. Comparing and contrasting the children within the story with other characters. Extrapolating about the story, read or a life of characters after stop ends. Defending characters in action in the story. Making an audio story out of the novel text to be read aloud. Interacting with the author. Holding a literature feast where students role play as various characters to interact with each other. Role playing as author, poets, dramatists to defend their work and characters. Symposium and seminars for introducing book, an author or a theme. Dramatizing incident move a novel or story. Means these are the way and why it is important to making the time change in time. What is important? So how the people can be easily assessed. Okay. So next is coming a symposium and seminars for introducing a book, author or theme is usually very to the point. Creating graphic novels out of novels or short story they read. Dramatizing incident from a novel or a short story. Creating their own stories, books of genre to be ready for the whole class. So these are things, this is a system, these are books, how it is given, how it is imparted, how the students will be benefited, will be shared, will be informed you soon. Teachers may select books and e-books suitable to the age and level of the learner. Care ought to be taken to choose books that are appropriate in terms of language. Okay. Theme, content which do not hurt the sensitivity of a child. Teachers may later suggest books from other languages by dealing with the same theme as an extended activity. The project should lead to independent learning, reading, and hence chosen book should not be taught in class, but may be introduced through activities. Be left for students to read their own pace. Means bachon ko khula choda jaye, wo khud padhe, wo khud samjhe, wo khud develop kare apne dimag. Teachers may, however, choose to assess a student's progress or success in reading the book by asking verbal or written progress. Dekho, teacher ka bhi assess de. Teacher kaise aapko assess karega, bachon ko kaise samjhayenge, test kaise conduct karenge, ye sari jankari di gayi hai. Okay. Teachers may, however, choose
to assess a student's progress or success in reading a book by asking a verbal or written progress report. Look at their daily entries, engage in decision about the book, giving a short quiz or a worksheet about the book or short story. Befitting model of assessments may be concerned by the teacher. So what happened, teacher may however choose to assess a student's progress. Whatever the students are there progressing with that, the teachers are happy. Okay, so this is next comes in modes and technique. So how, what are the mode used, and then comes your English code or class level. So just let me discuss about the mode methods and technique. The technique used for teaching should promote habits and self learning and reduce dependency on the teacher. In general, we recommend a multi-skill learner center activity based approach, which there can many variations. The English core classroom activity is likely to be that of silent reading, prescribed or selected text for comprehension, which can lead to other form of language learning activity, such as role play, dramatization, group discussion, writing, etc. Okay, so these are the things need to be kept in your mind when we go with the methods and techniques. Okay, dictionary use, thesaurus, and other things. Group and pair activities can be resort to them when desired. Next comes your class 11. Class 11, this is the main part of what the students will be waiting to listen, understand. This is what important. First is your reading section that carries how much mark. It used to be of 20 or 30 marks. Here it is of 18 marks. Okay, what? That is a reading section is of 18 marks. Okay. What is the next? The next, that is dependence on teacher in general. Okay, we have evaluated second point. Okay, reading first point. Multiple choice question based on one unseen passage to assess comprehension. To assess comprehension, it is required. What? To test multiple MCQ questions. The passage may be factual, descriptive, or literal. 10 out of 11 questions must be done. The multi-purpose question based on one unseen based case based factual with verbal and visual inputs like statistical data, charts, etc. 8 out of 9 question to be done. Out of, okay, what is saying here? First question carries the passage, that is of 10 mark. Second question, multiple choice question based on the unseen passage. Okay, first passage is of 10 mark, second is of 8 mark. Note, the combined word limit for both the passage will be 600 to 750 words. Next comes your grammar. It should be gap filling, determinants, tense. It should die in this cold condition. That means what happened here? The combined word limit for those passages will be 600 to 700. The passage will be cost come around 600 to 700. Grammar, what's the benefit? Multiple choice question on gap filling, determiners, and tense. Multiple choice questions on reordering or transformation of sentence. Why he is doing? Okay, that it should be understood. Understood everything. I'm not able to understand what you're able to speak. Multiple choice questions, on other hand, reordering or transformation. Okay, so what happens here? Multiple questions, that is gap filling, determiner tense, multiple choice questions on reading, reordering, transformation of sentence. These are the grammar questions that are going to come for your class 11. Next comes your literature section, that comes under 14 marks. Hornbill 3 marks, MCQ, Hornbill as well snapshot, that consists of 3 mark,
336 marks. Interpersonal pretension from purpose in Google. So what is saying? Next one, text-based multiple question to assess the comprehension, analysis, and interpersonal from the prose and poetry. Okay, so what happened for the prose and poetry? 5 marks will be awarded, and what you need to do a little bit different. What is different here? Hornbill 3 mark, then Hornbill and snapshot of 6 mark, and complementary little bit difficult question, that is of how much mark? 5 marks. One carries each of 1 mark. Next comes your part B, 40 marks. Okay, part B, that is your other part. Part A, unseen passage, and you have given me something to eat that I'm not able to return. So what is talking about here? Part B, part A and part B in 2 parts. Here it is a reading section. Reading section, 8 marks. Note making and summarizing based on a passage of approximately 200 to 250 words. 200 to 250 words. Note making, title, numbering and indenting, key glossary, notes. These are what? 4 points. Okay. And summary, 50 words. Okay. What is talking about? Summary up to 50 words. Okay. Summaries of 50 words. Okay. So what is consist of? Content and expression. Part B, that contains your note making, summarizing, that is of class 11. Class 11 note making, summarizing is there, and you have to do it for class 11. Then writing section is of 16 mark. You will be learning notice, writing up to 550 words. Two given questions to be answered. A 3 marks format, 1 content, expression. Short story writing task. Okay, short story writing task, poster up to 50 words. One of the two given questions to be answered. 3 marks of format, 1 day, 2 day, and 3 days. In 3 days, we are going to complete. Convert. As you declined, I attribute to that. Yeah. Okay. So what are 3 things we are going to cover? Here, the letter based on verbal and visual to be answered in 120 to 50 words. Business on official letters. Okay. Making for making for inquiries, registration, complaints, asking for, and say 9. Okay, so business or official letter. Business or official letter for making inquiries, registering complaint, asking for and giving information, placing orders and sending replies. These are the contents for class 11. Okay, ye sab cheez kya hai? Class 11 ke liye content. Letter to the school and college authorities regarding admission, school issues, requirement, suitability of course, etc. One of the two given questions to be answered. 5 marks, format 1, content 2, expression 2. All total 5 marks. Letter writing consists of 5 marks. Next, that is our speech and debate writing. That again comes under some writing section that comes under 4 marks. Okay, 4 marks, format 1, 2 mark content, expression 2 mark, 5 marks. Okay, so these are the format for perfect debate and speech. Next is your literature section. 2 short answer type questions, one for prose, one from poetry, and the other is from Hornbill book. ठीक है, एक चैप्टर किससे आपको आंसर करना है? प्रोज से एक आंसर करना है, पोएट्री से एक आंसर करना है, और फ्रॉम हॉर्नबिल बुक आउट ऑफ 4 टू बी आंसर, 4 से किसी एक को आंसर करना है. 30 टू 40 क्वेश्चंस यहाँ पे दो दिया गया है. आंसर क्वेश्चंस शुड इलिसिट
inferential response to the critical thinking. Okay, so questions should elicit inference. सही रूप दे सके, सही मार्क दे सके, सही है आंसर, ये आपको जानकारी मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7, वन शॉट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज स्नैपशॉट टू बी आंसर्ड इन 40 वर्ड्स. क्वेश्चंस शैल इलिसिट इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग. Anyone out of two questions to be done. Only long answer. Only long answer type questions from a prose to poetry, hornbill, to be answered in 120. Okay, so what is talking about? Prose snapshot, question number 8, prose and poetry, hornbill. Here from short question, 2 mark from question number 7, 8 say 5 mark. Out of 2 say 1 who can, anyone, you have to do in the both number 7 and 8. Number 9 is your snapshot, book snapshot question. Okay, the global comprehension and exploration. So here are the deleted topics. I am bringing these are topics what we will be following in our course. And now comes your deleted topics. Classified advertisement, a letter to editor, giving suggestions, opinions on an issue, provide realistic content in the form of newspaper. Magazine, what is talking about? Deleted topic, what are deleted here? Kya kya delete ho gaya students, samajhne ki koshish karo. Classified advertisement, delete ho gaya. A letter to the editor, wo bhi delete hai. Giving suggestions, opinions on an issue. Provide a realistic context in the form of newspaper article, report. Student may respond, ye bhi delete ho gaya. Application for a job and biography, wo bhi delete ho gaya. Article and report writing, wo bhi delete ho gaya. Narration or story writing, wo bhi delete ho gaya. So these are topics jo delete hua hai class 11 se. Theek hai? Grammar, modals, clause, change of voice, error correction, editing task, close. Close passage. Okay, so just I have not closed it. Okay, so yahan pe kya bol rahe hai, ye sab cheezon ko grammar humko jagna hai. Modals, clause, change of voice, error correction, connection, connecting task, close passage. Okay, so these are the things you need to be smart and updated. Then comes your literature. Hornbill, father to son, the adventure. Snapshot, Heart of the Only World, Tale of the Melon City. Here prescribed books are Hornbill, English Reader Publisher by NCER. And next is your supplement reader published by English Council, Council of Education, Research and Training, New Delhi. Next comes your क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2021. हाउ मच यू विल बी गेटिंग, कितना आपको एलोकेशन मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा. 26% रीडिंग कॉम्प्रेशन, टोटल 32% आ गया. क्रिएटिव राइटिंग 24 एंड 30% आ गया क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर्स. नेक्स्ट लिटरेचर, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंटरी रीडिंग, ये सब पढ़ने के बाद 30 पेज में आ गया एंड 37% यहाँ पे शो कर रहा है. Next comes the assessment of listening and speaking skill. So these are the two things that we must see. ASL, assessment of speaking and listening skill. You must remember students, that will be work for you, that will be referred for in class 12. Class 11, reading comprehension is 20 marks. So this is a very short interval time. How it is possible, let's see. Multi-choice question based on one unseen passage to assess comprehension, interpersonal and inference. Vocabulary and inference of memory also addressed. The passage may be factual, descriptive or literary. So see, in this part A, question has been divided into two parts.
part A and part B. Part A consists of short questions, MCQ, and part number B carries what is that MCQ question again from unseen passage, that is of 10 marks. So unseen passage is of 10, 20 marks. Students, don't get confused. Unseen passage of 10, 20 marks. The combined word limit for both the passages is 700 to 750 words. Next comes your literature. Again, it is a career-based converting one. It will take time. So what is it is coming up here? Multiple choice question, MCQ, Vistas and Flamingo. MCQ questions based on poetry extent. Extract from the class. Assess comprehension. On assess comprehension, analysis and inference. Refer to the lines to the answer questions based on the given extract. See students, yahan pe aapko extract based question milega. Vista se, Flamingo se, aapko extract based MCQ questions milega. Text based questions to assess comprehension and analysis, inference, interpretation. From the books से पढ़ने के बाद आप उसको interpret करके answer को present कर सकते हो. ये भी आपकी क्षमता develop होगी. 8, 8, 16, 4, 20 ये 20 mark का question बन गया. ठीक है. Part B, short story writing, notice writing, agenda up to 50 words out of the one out of the two questions should be answered. So in writing section. Again, what out of short writings, notice writing, advertisement, 50 words out of to anyone. Similarly, short writing, formula, formal invitation, reply, this should be maintained. Letter based on verbal or visual input are to be. Kya bola? Letter writing. शॉर्ट राइटिंग लेटर राइटिंग में सभी राइटिंग्स कवर कर रहा है. पहले इसको 6 मार्क में लिखा जाता था, अब इसको 5 मार्क में रिड्यूस कर दिया. फिर देखो सीबीएसई ने क्या किया, 5 मार्क को तक रिड्यूस रख दिया. 5 मार्क के बढ़ेगा तो फिर आ सकता है. ओके, सो हियर आर थ्री थिंग्स. लेटर राइटिंग 5 मार्क, आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गया 5 मार्क, 10 मार्क. शॉर्ट स्टोरी राइटिंग 3 मार्क, 13 मार्क. And final last question, that is 3 mark, 6 mark. Next comes your article and report writing. Kab kab likhna hai article and report? So usko aapko dekhna hai. Okay, so yahan pe literature section pe aa gaye hum log. Article writing, report writing bhi hai. Ye bhi 5 mark ka hai. Ye sab students ye sab 10 mark ka aaya karte the. Ab ho gaya kya? 5 mark. आपके लिए आसान हो गया, आपके लिए आसान हो गया, सरल हो गया. तो सीबीएसई ने आपको इजी कर दिया लिटरेचर में. अब आ गया पार्ट ए में हम लोग कर रहे थे लिटरेचर, या पार्ट बी में फिर से लिटरेचर आ गया. ठीक है, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एलैबोरेटिव क्वेश्चंस पूछ रहा है. ठीक है, 5 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री, 2 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, 3 फ्रॉम पैसिव वॉइस. ये लिखना है, मेंशन करना है नीचे में. ठीक है, वन लैंग्वेज पोएट्री प्रोज फ्लेमिंगो, इट्स देयर वन को 5 मार्क दिया. देन आगे क्या, प्रोज विस्टास, विस्टास में क्या है थीम का इन्यू क्या है. ओके, सो दैट विल बी डन, वो भी करवाया जाएगा. द विस्टास है, फ्लेमिंगो है, तो इन बुक से लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 मार्क, जो 6 मार्क के आते थे. अब इन बुक से 5-5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे, तो कुल मिल के हो गया कितना, सेक्शन ए 40, सेक्शन बी 40. सेक्शन ए में क्या क्या है आपका, लिटरेचर 20 मार्क, रीडिंग 20 मार्क, 40 मार्क हो गया. यहाँ पे वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 24 मार्क्स, लिटरेचर सेक्शन. इन कुल मिला के हो गया आपका कितना, 40. शॉर्ट लॉन्ग सब इसमें इंक्लूडेड. प्रेस्क्राइब बुक क्या है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास, और डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या डिलीट हो गया सिलेबस से, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, ये डिलीट हो गया स्टूडेंट्स.
फ्लेमिंगो से पोएट एंड पैनकेक इंटरव्यू गोइंग प्लेस रोड साइड स्टैंड, ये चार टॉपिक डिलीट हो गया. नेक्स्ट कम्स योर विस्टास, द टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेडिसिन जाइनी. ओके, दीज द टॉपिक्स कम्स अंडर द विस्टास. सो दीज द टॉपिक नीड टू बी अपडेटेड. अपडेटेड मीन्स ये सब डिलीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट टाइम वीडियो में ये आपका अपडेट हो जाएगा. ठीक है. सो फ्लेमिंगो, विस्टास एंड राइटिंग. नाउ कम्स योर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया. आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर आइडिया मिल जाएगा रीडिंग में. कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डिकोडिंग एनालिसिस वही जगह है. ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 20 मार्क्स 25% टोटल में आपको दिया गया है. टोटल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखा गया पार्ट ए पार्ट बी का. टोटल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, तो जो बच्चे 11th पढ़ के 12th को आया, सेम पैंडेमिक रहा, उनके लिए नोटिस राइटिंग इंक्लूड हो जाएगा. जो अभी पैंडेमिक से पहले पढ़े हैं और उनके लिए नोटिस राइटिंग अनिवार्य है. मींस यू आर गोइंग टू राइट इट, आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है. देन क्रिएटिव राइटिंग, आपको क्रिएटिव राइटिंग पे फिर जाना है. क्रिएटिव राइटिंग पे कितना है 16, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 20, लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक पे आ गया कितना 44, 50, 60, 80, टोटल मार्क्स आपका 80 है. ठीक है, ये सब टोटल क्या है आपके दोनों बुक के आखिरी में, लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग के बुक में आखिरी में क्या है आपको ASL, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. ओके, सो ये रहा आखिरी में, ये सबसे लास्ट में जो हर एक चीज को जरूरी है. उधर 80 मार्क्स क्लास 11 में, आखिरी में ASL होगा असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, और 12th में भी लास्ट में रहा असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स. बच्चों बड़े जो भी मेरे इस वीडियो को देखे, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लास 12 में किस तरह डिलीट हुआ है, मकसद क्या है, क्या दिए हैं. वो सिर्फ 2021 के लिए है, 2021 के बाद चेंजेस आ सकते हैं सिलेबस में. ये रहा धन्यवाद, ये रहा मेरा वीडियो. मैंने डिटेल्स में समझाया है आपको, मैं गुजारिश करूंगा पेशेंट रख के पूरा वीडियो देखें, समझें और आखिरी तक जाएं जहां पर डिटेल्स में मैंने समझाया है कहां पे किस बेसिस पे मार्क दिया जाएगा बच्चों को, किस बेसिस पे उनका चैप्टर कटा है और किस बेसिस पे चैप्टर रखा गया है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंस आपको समझा दिया गया है. और डू सब्सक्राइब माई चैनल, जो नए लोग यहाँ पे देख रहे हैं चैनल पे वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें, नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको मिल पाए. धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट.